हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। माय नेम इज एनमी सिंह और आप देख रहे हैं कॉस्मिक स्पेस वंजारों सा। लेकिन वंजारे आजकल ना कहीं जा ही नहीं रहे, तो सोचा आज व्लॉगिंग शुरू करता हूँ, क्योंकि बच्चे मेरे बच्चे नहीं, बिटिया तमन्ना घर पे नहीं है, वाइफ घर पे नहीं है, वो गई अमृतसर। व्लॉगिंग स्टार्ट हो गई है। मैं हूँ और मेरा राजा बेटा जो उठने का नाम नहीं ले रहा। टाइम हो चुका है, अभी टाइम क्या हो गया बताओ, 1 बज गया, हाँ 2 बज गए हैं दोपहर के, तो हम लोग उठे नहीं हैं। आज संडे का दिन है और हम लोग मज़े कर रहे हैं, अभी देखते हैं क्या होता है। सुबह चाय पी ली थी हमने, पोहा खाया, अभी कह रहा पिज़्ज़ा खाना है, तो हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। पिज़्ज़ा आएगा तो खाएंगे। जा रानिया पतंगड़ा ने गुड्डी डाने है, रमनिया नीचे पिज़्ज़ा आ गया, तो चलते हैं पिज़्ज़ा लेने के लिए। पता नहीं क्या हो गया, मच्छर मक्खी पता नहीं क्या अंदर यहाँ बैठ गया। कुरली भी की है, उधर से ऐसे आया अंदर सीधा मुंह। मैंने बोला सैल सैलिश बोला, और मक्खी पता नहीं मच्छर था क्या अंदर घुस गया। नॉनवेज खा लिया हाँ तुझे? नॉनवेज खा लिया, लेकिन कच्चा सी ना, जिंदा वैसे मार के फ्राई किया अंदर, मसाले मसूले भाई अंदर वही अच्छा ना। आई एम नॉन वेज, नॉन वेज, नॉन वेजिटेरियन। हाँ ये सही इंग्लिश, इंग्लिश नहीं आती यार। तेरा बुढ़ा हो चुका है। दो फोन लेने हमने, दोनों नहीं लेने, या फिर ब्लॉगिंग करेंगे प्रोफेशनल कैमरे से, नहीं करनी मैं चाहिए सेकंड हैंड ऐसे। आईफोन ले लेना देखते फॉर हैं, ब्लॉगिंग वास्ते, थोड़े चल टाइम पी वास्ते रहा खाओ तुसी। हूँ। जो डेली व्लॉग करते हैं उनको सैल्यूट है, लेकिन हम डेली व्लॉग नहीं कर सकते, कंटेंट ही नहीं आता दिमाग में। यार मज़ा आता घूमने फिरने में, और क्या, तो सोचा है आज पतंगबाजी करेंगे अरोड़ा साहब के साथ, तो देखते हैं क्या आता। चल पिज्ज़ा खिला, खा मेरा तो मन नहीं है खा पिज्ज़ा खाना लो मन नहीं है। वो पिज्जा खाना, मैं अच्छा खाओ फिर खाना आप लोग मत खाना इसको। अच्छा तू खाना, मैं अपने वास्ते पूरा। हु कलम है पिज्जा 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 पिज्जा। ये डोमिनोज का पिज्जा नहीं है, ये ठीक हमारे है, इधर के पिज्जा टाउन का ये पिज्जा एक है। हमारा लोकल पिज्जा है, बिल्कुल टेस्टी नहीं होता, मुंह में पानी मत लेके आना। हाँ क्यों बेइज्जती कर दो बे, इतना टेस्टी तो होता है। आप मुंह से पानी आएगा ना हमारे, कितने साल तो खा रहे हैं? हो गए 5 साल तो, चार मैं पांच तो साल हो 5 साल गए, तो खा रहे हैं। फर्स्ट चार टाइम पांच 7th क्लास च खाधा सी मैं इन्हों का पिज्जा। बहुत टेस्टी बना भाई, बहुत चीज है। कभी नहा भी लिया करो, ते मैं नंगा वा नंगा है तो फिर क्या, कुड़ी है, फिर की है। कुड़ी है। मैं थोड़ी थोड़ी बॉडी भी केक रहा, मेरी थोड़ी थोड़ी बॉडी चल खा पी चल गए। मेरा पिज्जा खाने का मन है डोमिनोज का बड़े वाला लार्ज। तो पहले राजा पर डोमिनोज से मंगा लेना। हमें स्विगी तो मंगाना चाहिए ही, फिर डोमिनोज। आहो वही देखा, स्विगी तो मैंने, मेरे को कूपन में वादू पे ना कोई नहीं, दाती मंगा लेना। ना। हमने नाश्ता कर लिया, चाय पी ली, और लंच भी कर लिया पिज्जे का। पिज्जा बिल्कुल भी टेस्टी समझ गई बात, तभी तो मंगवाते हैं गाइस, तो फिर से लेट जाते हैं। हाँ अब कब उठेंगे पता नहीं। दोपहर के बज गए हैं 3:18, 3:18, तो अभी अरोड़ा साहब भागे, तो मैं कह 3 बज गए यार उठ जाओ। उठ गए हैं, अभी घर की सफाई करनी है, बर्तन मांजने हैं, किचन में बर्तन पड़े हैं जो हमने जूठे कर करके कल रात से रखे हैं, और आज मन है पतंग उड़ाने का। इतनी बड़ी नहीं, क्योंकि पतंग तो उड़ी नहीं रही। अमृतसर में होते पंजाब में तो बहुत पतंगबाजी शुरू हो चुकी है वहाँ पे। ये हमने कपड़े यहाँ पे क्यों रखे हुए हैं, इसका कारण है कि कल से बादल थे, आज धूप निकली है, कल परसों से बादल थे तो इसलिए अंदर रखे हुए थे, मतलब शाम को ले आते थे, नहीं तो गीले हो जाते हैं उसकी वजह से। गीजर ऑन करता हाँ जी तो गीजर तो मैं वीडियो बनाना ही ऑन करना ही, वो होंदा नहीं है टिक, गीजर ऑन कर दिया है, फिर मैंने ये कर दिया है, फिर मैंने वो कर दिया है, व्लॉगिंग कर देनी सारे जने, कर लो जाओ मतलब बंद करके फिर चलावा। और की
फ्रिक्शन बना लो कुछ। फ्रिक्शन नहीं बनाना, ओरिजिनल। ओए यार किसी ये क्या था भाई? पंजाबी ने सारे बर्तन धोने हैं, अब बेड भी। तो इस चादर के जो मैचिंग तकिए हैं, काफी टाइम से ढूंढ रहा हूं, 2-3 दिन से, क्योंकि वाइफ घर पे नहीं है तो मिल ही नहीं रहे, तो यही चलेंगे, किसी को कोई दिक्कत। अब गाइज है नहाने की बारी और हम जा रहे हैं नहान। तो नहा के हम लोग रेडी हैं और अब बनाएंगे कड़क अदरक वाली चाय, पियेंगे मैं और माय ग्रेट सन अरोड़ा साहब। तो चलिए चाय बनाते हैं। अरोड़ा साहब चाय पी ला, उठ जा तेरी वो पार्टी। ओह नो, तू मैं क्या ही, मैं व्लॉगिंग करनी पतंग थी, मैं तां स्टार्ट की थी, नहीं तो मैं बनाता नहीं व्लॉग, व्लॉग बाहर दे बनाना ना। तो आप तू मैं ना कुछ नहीं किया है, मैं सारे व्लॉग से कहता भी अज पतंग डावे हाले, तो रात हो चुकी है भैया, शाम हो गई, तो ये कर रहे मजे, चाय पी रहे हैं। बताओ पतंग डाने का मजा, कोई पेचे लाने वाला हो। हाँ अभी तो ठीक है, पैसा बड़ा फूकिया मैं ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਉਸ ਕਮਾਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੁੱਕ ਪਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਸੱਚੀ ਦੱਸੋ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂ ਐਨ ਮੁੱਕੇ ਪੇ ਪਾਪਾ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਮੁੱਕਰਿਆ? ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਛੋੜੋ ਰੀਜ਼ਨ, ਛੋੜੋ ਰੀਜ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਥਾ, ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 1000 ਰੁਪਏ ਬੜੇ ਦੇ ਬੈਂਕ, ਚਲ ਇਸ ਸਾਲ 1000 ਰੁਪਏ ਨਿਕਾਲ ਲਈਏ। फिर एंड टाइम पे मेरी इतनी लॉटरी लगी 5000 की। हाँ। मैंने 5 का 5 उड़ाया पूरा। तो क्या रीजन था, मैंने मना किया था वो नहीं बताएंगे, तो मना कर दिया था, मैं कहा नहीं बनाएंगे। दिवाली भी नहीं हमने इस बार मनाई, दिवाली का व्लॉग भी नहीं आपने देखा होगा, तो लोहड़ी कोशिश करेंगे जरूर मनाएंगे। लोहड़ी 2 साल बीत चुके हैं अब तो, लोहड़ी कोशिश। ये वाला हेडफोन ना मैं मैकेनिक के पास लेके गया, मैंने बोला यार ये इसको ना चेक करना, तो ये एक साइड नहीं चल रही, तो उसने खोल के देखा, कहता तार वार कोई टूटी नहीं है, तो ठीक है इसको पैक कर दिया और एलफी लगा दी, ठीक है। और ये कह रहा मैं नहीं खोलूँगा, ये खुल जाएगा तो दिक्कत आएगी, फिर चाइनीज़ है, ठीक है जी। तो अरोड़ा साहब ने देखो ये खोल खाल के कहना यार किसके पास गए थे आप, तो इसको टांगे लगवा के इसको सेट करवाएंगे। तो सैलिश का प्रोग्राम हो गया कैंसिल जाने का, ये कह रहा अब नहीं मैं जा रहा, तो मैं इसको टाका लगवा के लेके आता हूँ और लेके आता हूँ साथ में मक्की का आटा। यहाँ पे आ गया है अपना हेडफोन, या भाई ने बहुत अच्छा काम किया। तो यार भाई ना पैसे नहीं ले रहा, कह रहा एक टाका ही तो लगाया, क्योंकि हम आते रहते हैं इसके पास, तो पैसे लेने के मना कर दिया इसने पैसे लेने के लिए, और ये बना के दे दिया। ऑनलाइन भी कम खरीदा करो, शॉप से खरीद के लेके आओगे एक लिंक बनता है, ऑनलाइन वाले आपको घर पे कभी मदद नहीं करेंगे, रोड जाते हुए कभी कुछ दिक्कत आ जाए तो कोई मदद नहीं करता ऑनलाइन वाला। मेरा सुझाव है, बाकी करना ना करना आपकी मर्जी। तो गाने सुनते हुए मैं जा रहा हूँ मक्की का आटा लेने, एक काम हो गया तो मक्की का आटा लेके आता हूँ। ले लो जानकारी, काम भारी भारी काम हो गया सही। हाँ। क्या कैंट साउंड है, सेम शक्ल है ना, नक भी। आ मेरे बापू जी ने, मेरे बापू जी की एज 40 ईयर है, 40-42 ज्यादा बड़े हो गए। यस 41 का, मैं 20 का, और मैं नेक्स्ट ईयर 21 का हो जाऊंगा। ये जलाला लग, किसी एंगल से लगता है 21 का, तो मैं लगता हूं 40 का। आ अरे बात ही जाएगा।
तो गाइस डिनर टाइम हो गया है। मैंने बनाई है मक्की की दी रोटी और सरसों का साग, ये नहीं है, ये है शलगम। जितना मज़ा मक्की की रोटी और सरसों का साग खाने में आता है, उतना ही मज़ा मक्की की रोटी और ये खाने में आता है शलगम। और मक्की की रोटी बनाना बड़ा ही टफ है, मेरी बीवी ने मुझे मार मार के सिखाया। तो गाइस डिनर टाइम हो गया। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो यार, प्लीज प्लीज कर लिया करो यार। पापे दिए थंदे रोटियां वधिया गए मम्मी दिया। एक यूट्यूबर नु बिना पूछे ओदी फुटेज ले रहे हो, दी स्ट्राइक दे दूंगा मैं। तू मेरा पोता है फिर क्या है।